हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट वन को एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने लीवर को कवर किया था आज मैं पार्ट टू को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें मैंने बाइल बिलरी ट्रैक और गोल्ड ब्लैडर को एक्सप्लेन किया है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाइल बाइल क्या होता है लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है अब बाइल को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाइल इज अ येलो ग्रीन थिक स्टिकी फ्लूड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन बाइल एक येलो ग्रीन कलर का फ्लूड होता है ये थिक होता है थोड़ा गाढ़ा होता है और स्टिकी थोड़ा सा चिपचिपा फ्लूड होता है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है अब ये फूड डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है स्पेसिफिकली इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इंटू फैटी एसिड्स ये मेनली फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है अब फैटी एसिड्स क्या विच कैन बी टेकन इन टू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सो बाइल फैट्स को इमलसीफाई करता है मीन्स फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और फैट्स को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इजली अब्जॉर्ब हो जाते हैं गोल ब्लेडर ह्यूमन में क्या होता है बाइल कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूज होता होता रहता है लीवर से प्रोडक्शन लीवर में होती है लेकिन स्टोरेज और कॉन्सनट्रेशन जो है बाइल की वो गोल ब्लेडर में होती है गोल ब्लेडर भी एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का असेसरी ऑर्गन है इसको भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है सो so, स्टोरेज uh, और कॉन्सनट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि बाइल में से वाटर की एब्जॉर्बशन और ज़्यादा हो जाती है गोल ब्लेडर की वॉल्स में वॉटर Uh, जब वाटर और एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर का अमाउंट और कम हो जाता है बाइल में तो वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है गॉल ब्लैडर में सो so, स्टोरेज और गॉल ब्लैड कॉन्सेंट्रेशन गॉल ब्लैडर में होती है बाइल की और प्रोडक्शन लीवर में होती है नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल अब बाइल किन किन चीज़ों से बना हुआ है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बिटवीन फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड एम एल ऑफ बाइल इज सिक्रिएटेड बाय द लीवर डेली फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड एम एल ऑफ बाइल डेली सिक्रीट होता है लीवर से सो दिस अमाउंट ऑफ बाइल इज सिक्रीटेड बाई द लीवर डेली अब बाइल में क्या क्या होता है बाइल कंसिस्ट ऑफ वाटर वाटर का अमाउंट होता है बाइल में सबसे ज़्यादा देन आता है मिनरल सॉल्ट्स मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट होता है बाइल uh, में एंड देन है म्यूकस म्यूकस की वजह से बाइल थोड़ा सा स्टिकी रहता है मतलब थोड़ा सा चिपचिपा है इसीलिए म्यूकस है इसमें प्रेजेंट देन है बिलीरुबिन बिलीरोबिन एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि बाइल uh, को कलर प्रोवाइड करता है सो so, ये एक पिगमेंट है देन बाइल सॉल्ट्स बाइल सॉल्ट्स बिली बाइल में प्रेजेंट होते हैं uh, इनका नाम है कॉलिक एसिड किनोडिऑक्सिकॉलिक एसिड्स सो so, ये बाइल सॉल्ट होते हैं देन कोलेस्ट्रोल भी इसमें प्रेजेंट होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल अब बाइल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सो बाइल फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है अब कैसे करता है बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फैट मीन्स फैट को इमल्सिफ़ाई कर देता है इमल्सिफ़िकेशन क्या होता है कि जो हमारे फैट हैं फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल और कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामस जैसे कि वाइटामिन ए डी ई एंड के जो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो इन सबको बाइल वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल ठीक है सो बाइल जो है फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रोल और फैट सोल्यूबल वाइटामिन को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि ये इजिली हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से एबजॉर्ब हो सके सो so, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नेक्स्ट एंटीरोपैटिक सर्कुलेशन एंटीरोपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है इन द टर्मिनल इलियम मोस्ट ऑफ बाइल दायल सॉल्टर रीअब्जॉर्ब एंड रिटर्न टू द लीवर थ्रू द पोर्टल वेन क्या होता है जब बाइल लीवर से गॉल ब्लैडर में और फिर इंटेस्टाइन uh, में आता है तो बहुत सारे बाइल सॉल्ट दोबारा से रीअबजॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में रीएबज़ॉर्ब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बाइल जो है थोड़े अमाउंट में लीवर से बनता है और उस अमाउंट को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए बाइल चोल दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से और लीवर में चले जाते हैं थ्रू द पोर्टल वेन पोर्टल वेन के थ्रू दोबारा से लीवर में चले जाते हैं ताकि ये दोबारा से डाइजेशन में हेल्प करें और यही अमाउंट जो है लीवर में बना रहे सो so इसको बाइल चोल का दोबारा से एब्जॉर्ब होना लीवर में जाना इसको बोलते हैं एंटीरोपेटिक सर्कुलेशन नेक्स्ट है एक्सक्रीशनो बिलेबिन बिलीरोबिन क्या है एक पिगमेंट है जो कि एरिथ्रोसाइट्स के टूटने से बनता है हीमोलिसिस हीमोलिसिस बोलते हैं उसको एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स जब वो टूटते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं तब उसके हीमोलिसिस से हीमोलिसिस मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन का टूटना तो उससे बनता है बिलीरोबिन और बिलीरोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है सो हीमोग्लोबिन मीन्स हिमोलिसिस है जो एरिथ्रोसाइट uh, एरिथ्रोसाइड का टूटना है वो कहाँ कहाँ पर टूटते हैं एरिथ्रोसाइट स्प्लीन में टूटते हैं बोन मैरो में टूटते हैं और लीवर में टूटते हैं सो so, जब एरिथ्रोसाइड टूटते हैं तो उससे हीमोग्लोबिन निकलता है सो so, हीमोग्लोबिन जो है दो में फर्दर डिवाइड हो जाता है एक हीम में हीम मॉलिक्यूल में और एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में सो so, जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है अमाइनो एसिड की फॉर्म में एज इट इज़ अब्जॉर्व हो जाता है बॉडी में अब हीमोग्लोबिन से निकलता है बिली रूबिन पिगमेंट जो कि अनकॉन्जुकेटेड होता है अनकॉन्जुकेटेड मतलब वो वॉटर इनसोल्यूबल होता है वाटर में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता अब ये बिली लीवर में जाता है एल्बुमिन से बाइंड होकर लीवर में एल्बुमिन से बाइंड होकर बिली रूबिन हो कॉन्जुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुकेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है जो बिली रूबिन है ग्लुकोनिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है ग्लूक्रॉनिक एसिड की वजह से बिली रूबिन कॉन्जुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है सो so, लीवर में बिलीरुबिन की कॉन्जुकेशन होती है जो बिली रूबिन है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सो so, ही पैटोसाइट से ही बिली ग्लूक्रॉनिक एसिड निकलता है जो लीवर के सेल्स हैं हिपैटोसाइड्स वहाँ से ग्लूक्रॉनिक एसिड निकलता है और जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्लीन लीवर और बोन मैरो में जो डिस्ट्रक्शन होती है वो जो लीवर में हिपैटिक मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है हिपैटिक मैक्रोफेज को कुफर सेल्स भी बोलते हैं और ऐसे ही सेल्स प्लीन और आ, बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं सो so, अब यहाँ पर बिली रूबिन की कॉन्जुकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ग्लूक्रॉनिक एसिड फिर बिली रूबिन इंटेस्टाइन में जाता है बाइल डक्ट के थ्रू और इंटेस्टाइन से वो फीसिस में निकल जाता है मीन स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिन फीसिस में इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टर्कोबिलिन ही फीसिस को आ, स्मेल स्मेल देता है जो फीसिस में से स्मेल आती है स्ट्रॉन्ग वो स्टर्कोबिलिन की वजह से ही आती है और फीसिस का कलर भी स्टर्कोबिलिन की वजह से ही होता है देन ये देखो इंटेस्टाइन से दोबारा से कुछ बाइल सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीरोपैटिक सर्कुलेशन पोर्टल वेन के थ्रू देन लीवर से ही जब किडनी में बाइल बिलीरोबिन जाता है तो किडनी में ये एक्सक्रीट होता है यूरोबिलिनोजन Uh, की तरह यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से ये इन द यूरिन ये एक्सक्रीट हो जाता है बिले और यूरिन को कलर भी प्रोवाइड करता है बिलेरूबिन सो so ये था एक्सक्रीशन ऑफ रूबिन कैसे कैसे बिलीरोबिन एक्सक्रीट होता है बॉडी से नेक्स्ट है बिलेरी ट्रैक बिलेरी ट्रैक क्या होता है कैसे कैसे बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है फिर गॉल ब्लैडर में जाता है और कैसे ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है ये है उसका बिलेरी ट्रैक मीन्स उसका रास्ता क्या है जाने का देन है सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट डायग्राम में देखिए ये है लीवर से आ रही है जो राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट सबसे पहले ये दोनों डक्ट्स आती हैं देन ये ज्वाइन होती हैं और बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट और यहां से गोल ब्लेडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों जॉइन होती है और फिर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स की होती है यहाँ से पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक डक्ट आती है कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट दोनों कहाँ ओपन होती हैं ओपन इंटू द डिओडेनम जो डिओडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है वहाँ पर जाकर ये ओपन होती है एट द हिपैटो पेंक्रिएटिक एम्प्यूला जहाँ पर ये ओपन होती है इसको बोलते हैं हिपैटो पेंक्रिएटिक एम्प्यूला या फिर बोलते हैं एम्प्यूला ओवेटर

पियर शेप का होता है गॉल ब्लडर एक नाशपति के शेप का होता है और लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है मतलब फ्रंट नहीं बैक साइड पर लीवर के ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इसके थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट है फंडस अ बॉडी एंड नेक फंडस डायग्राम में देखिए फंडस ये वाला पार्ट है नीचे वाला एक्सपेंडेड एंड मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है फैला हुआ एंड है इसको बोलते हैं फंडस इसमें पूरे में बाइल स्टोर हुआ हुआ है देन है बॉडी बॉडी ये वाली है जो इसका मेन मेन पोर्शन है गॉल ब्लेडर का इसको बोलते हैं बॉडी और ये है नेक नेक जो है सिस्टिक डक्ट के साथ कॉन्टीन्यूज में है मतलब सिस्टिक नेक के बाद सीधा सिस्टिक डक्ट में वो ज्वाइन हो रहा है सो तो ये है गॉल ब्लेडर के पार्ट्स नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लेडर थ्री लेयर्स होती हैं इसकी गोल ब्लैडर की बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जैसे एलिमेंट्री ट्रैक का होता है सबसे आउटर लेयर है पेरिटोनियम पेरिटोनियम जो कि इंफीरियर सरफेस को कवर किए हुए हैं गोल ब्लैडर के देन है मसल लेयर मसल लेयर ओब्लीक मसल फाइबर्स की बनी है और लास्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल र्यूगे वेन गोल ब्लैडर इज एम टी एंड डिसअपियर वैन डिस्टेंडेड विद बाइल जब गोल ब्लेडर एम होता है तो उसमें मसल्स के फोल्ड्स बन जाते हैं स्मॉल स्मॉल जिसको रियूगे कहते हैं और यही फोल्ड्स तब डिसपेयर हो जाते हैं गायब हो जाते हैं जब उसमें बाइल पूरी तरह से फिल हो जाता है नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बाइल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है गोल ब्लेडर फंक्शन ऑफ गोल ब्लेडर क्या है सबसे फर्स्ट है रिजर्व फॉर बाइल बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से और रिजर्व मतलब स्टोर होता है गोल ब्लेडर में सो ये स्टोरेज करता है बाइल की नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेशन ऑफ बाइल बाई एब्जॉर्बशनऑफ वाटर थ्रू द वॉल्स ये मैंने पहले भी बताया है कि बाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी गॉल ब्लैडर में ही होती है कैसी होती है कॉन्सनट्रेशन कि जो वाटर का कंटेंट है बाइल में वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर थ्रू द वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर तो उसकी वजह से बाइल में वाटर का कॉन्टेंट कम हो जाता है और ये और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है नेक्स्ट है रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल अब जो स्टोर्ड बाइल है जब जरूरत पड़ती है तब ये रिलीज हो जाता है गॉल ब्लेडर से नेक्स्ट है द मसल वॉल ऑफ गॉल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट बाय द हॉर्मोन कॉलेसिस्टोकाइनिन सी सी के एंड बाइल इज सिक्रेट इन टू द डिओडिनम जब जरूरत होती है बाइल की तब हॉर्मोन सिक्रेट होता है कॉलिस और ये कॉलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर की मसल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से बाइल सिक्रीट हो जाता है डिओनम में एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड आई होप ये आपको समझ आई गई होगी बहुत ही ईजी वीडियो थी थैंक यू फॉर वॉचिंग